लेट्स कंटिन्यू विथ लीनियर इक्वेशंस। आज हमको कंसेप्ट करना है रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस, है ना। दिस इज़ द लास्ट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड बड़ा आसान सा है बेटा। अब जैसे अपन ने कल एग्जांपल 17 कर लिया था, नाउ दिस इज एग्जांपल नंबर 18। इसमें हमको क्या दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसमें इन्होंने बोल दिया है बाय रिड्यूसिंग, नहीं बोला हो तो भी आप अपने आप समझ जाइए क्वेश्चन पढ़ करके। जैसे आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको क्या नज़र आ रहा है, 5 upon x minus 1 plus 1 upon y minus 2। पिछले क्वेश्चन में अपॉन में x और y था, यहाँ x में समथिंग माइनस y माइनस समथिंग, और दूसरी इक्वेशन में भी अपॉन में x माइनस 1 है y माइनस 2 है, तो सेम सेम है। वहाँ भी x माइनस 1, यहाँ भी x माइनस 1, वहाँ भी y माइनस 2, यहाँ भी y माइनस 2। हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं, 5 multiplied by 1 upon x minus 1 plus 1, ही है तो 1 upon y minus 2 equal to 2, एंड दिस इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज 6 upon 6 into 1 upon x minus 1 minus 3 multiplied by 1 upon y minus 2, दिस इज़ इक्वल टू 1। हम इस तरह से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अब आपको क्या नज़र आ रहा है, इन दोनों में अपॉन, यहाँ पर x 1 upon x minus 1 है, यहाँ 1 upon y minus 2 है, तो आपको पता चल गया किसको अज्यूम करना है। और क्वेश्चन x और y की टर्म में है तो आप a भी ले लो, p q ले लो, जो आपकी मर्जी। तो हम सबसे पहले अजम्पशन लिखते हैं यहाँ भी कि लेट 1 upon x minus 1 equal to a एंड 1 upon y minus 2 equal to b, है ना। हमने जैसे ही अजम्पशन लिया हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, दिस इम्प्लाइज ये 5 times a, 1 upon x minus 1 will be replaced by a, तो 5a plus 1 upon y minus 2 b equal to 2, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई लीनियर इक्वेशन। सेकेंड पार्ट में 6 multiplied by 1 upon x minus 1 is 6a minus 3 times 1 upon y minus 2 is b, and this is equal to 1. This is your second equation. Now you can see both of these are linear equation in two variables. अब आपकी मर्जी, आप इसको किसी भी method से solve करो, यदि mentioned हो तो वो particular method, otherwise आपकी मर्जी। अब क्या दिख रहा है बेटा, ये b है, ये 3b है, तो first equation को सिर्फ 3 से multiply कर दें काम हो जाएगा, है ना। तो हमने क्या किया, हमने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, दिस इज ब्रैकेट 3 5 15a plus 3b equal to 3 2 6, आपकी इक्वेशन 1 चेंज होकर के ये बन गई। अब हमको क्या दिख रहा है, प्लस 3b माइनस 3b ऐड करने पे 0 हो जाएगा, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को एडिंग कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, माइनस 3b प्लस 3b विल बी कैंसल आउट। जब प्लस करते हैं तो साइन चेंज नहीं करना पड़ते, माइनस करते हैं तो हमें सारे साइन चेंज करने पड़ते हैं, तो ये आपका हो गया कैंसल। 15a plus 6a कितना हो गया, 21a इक्वल टू 6 plus 1 7, 7 3 are 21, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 7 upon 21, मतलब 1/3, a की वैल्यू आ गई 1/3। अभी पहले b की वैल्यू निकालो, फिर a को इक्वेट करो 1 upon जो भी हमने अज्यूम किया था x माइनस 1 से, हाँ यहाँ से उसमें मत चले जाओ, पहले b निकालो। तो अब हम क्या करें, a की वैल्यू 1/3 है, इक्वेशंस देखो कौन सी थी, 5a plus 6a, है ना, इसमें 6a है, इसमें 5a है, तो किस में सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, 6a में, क्योंकि a की जगह 1/3 रखेंगे, 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा, वहाँ पे कैंसिल नहीं होता, LCM लेना पड़ता, तो थोड़ा सा देख लोगे, समझ लोगे, तो ईजी कॉम्बिनेशन चूज़ कर सकते हो। तो हमने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की इक्वेशन 2 में, सब्स्टिट्यूट a इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 क्या थी, 6a माइनस 3b इक्वल टू 1, तो a की जगह पे आपने रखा 1/3, तो 6 times 1/3, 3b को उधर ले जाएं, 1 को इधर लाएं, माइनस 1 इक्वल टू 3 times b, तो 6 into 1/3 कैंसिल हो रहा है, 3 1 3 2 2 minus 1 1, 3 इधर आएगा, 3 1/3, b की वैल्यू भी क्या आ गई, 1/3, तो हमको क्या पता चला, a भी 1/3 और b भी 1/3, तो दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू b इक्वल टू, दोनों इक्वल है तो आई कैन राइट इट लाइक दिस। पर क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चन x और y में था, तो आपको आंसर x और y का निकालना है। तो एक बात तो सबसे पहले ये समझ लो,
कि जो रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस हैं वो क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स में आएगा, क्योंकि आपको वापस से सब्सटीट्यूट करना पड़ता है ना, थोड़े से लेंदी होते हैं सॉल्यूशन एज कम्पेयर टू सब्सटीट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसलिए रिड्यूसिबल वाला क्वेश्चन हमेशा 3 या 4 मार्क्स में आता है। अब हम देखें कि हमारा ए क्या था, ए वॉज 1/(x-1), तो 1/(x-1) इक्वल टू 1/3 होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें या दोनों का रेसिप्रोकल कर दें, बात एक ही है कि x-1 = 3 हो गया, तो x = 3+1, x की वैल्यू आ गई 4। फिर हमारा y वाला क्या था, 1/(y-2) = b, b इज 1/3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये इधर, तो y-2 = 3, या दोनों को रेसिप्रोकल कर दो, दोनों का न्यूमरेटर 1 है, तो भी ये क्या हो गया, y-2 = 3, तो y की वैल्यू 2+3 क्या आ गई, 5। तो दिस इम्प्लाइज x = 4, y = 5 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमेशा x और y का ही निकालना होता है, हाँ इक्वेशन एक्स वाई में है तो एक्स वाई ही निकालना है। कंसेप्ट क्लियर? तो बस सिंपल सा कंसेप्ट है ये रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन, ये टफ नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका, अब है एक इम्पॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम का कंसेप्ट, विच इज़ अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। तो सबसे पहले तो हम मतलब समझ लें कि अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है। स्ट्रीम मतलब नदी, रिवर, कैनाल, कुछ भी हो सकती है जो बह रही है, हाँ मतलब वाटर इज फ्लोइंग विथ सम स्पीड। यहाँ पर ये स्ट्रीम है, मतलब इट्स नॉट वाटर स्टेशनरी नहीं है, ठीक है। तो हम क्या अज्यूम करते हैं कि आपके पास एक बोट है, ठीक, यहाँ पे बोट है, तो ये जो आपकी बोट है, हाँ इसकी स्पीड हमने मान ली कि ये एक्स किलोमीटर पर आर की स्पीड से चल रही है। कब? जब पानी बह नहीं रहा है, पानी रुका हुआ है, शांत पानी एंड स्टिल वाटर, हाँ जब वाटर बहुत तेज़ी से इधर उधर बह नहीं रहा है, तो हमने बोट की स्पीड क्या अज्यूम कर ली, एक्स किलोमीटर पर आर इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये हमने अज्यूम कर लिया। दूसरी चीज़ क्या है हमारी, दूसरा कैरेक्टर है स्ट्रीम, तो स्ट्रीम की जो स्पीड है, हाँ तो हमने ये भी अज्यूम कर ली कि लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आर, ठीक है। हमने मान लिया कि बोट तो x किलोमीटर पर आर की स्पीड से चल रही है, और जो नदी है या जो पानी है वो y किलोमीटर पर आर की स्पीड से चल रहा है। सबसे पहले आप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के क्वेश्चन में सबसे पहले आप अजम्पशन ही लिखोगे, यही लिखोगे कि लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज x किलोमीटर पर आर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आर। अब अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का क्या मतलब, अब देखो आपने यदि कभी भी कोई भी नदी देखी हो तो वो एक ही डायरेक्शन में फ़्लो होती है। ऐसा नहीं होता कि भाई आप उधर जा रहे थे कि भाई मेरे को तो उधर जाना था तो नदी इधर बह रही थी मैं इधर चला गया, अब मुझे वापस इधर आना है तो नदी भी इधर बहने लग गई, ऐसा थोड़ी होता है ना। नदी तो उधर ही बह रही है, आपको अपोजिट आना है। ये बात समझ में आती है, सिंपल सी बात है कि डायरेक्शन चेंज हो गए आपका, जब आप और बोट दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, हाँ जब आपकी बोट और नदी व्हेन दे आर ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन, हाँ व्हेन बोट एंड रिवर या स्ट्रीम बोथ आर ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन वी कॉल दिस केस एज डाउन स्ट्रीम। हाँ हम इसको क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम, दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो देखो सीधी सी बात है, बोट की स्पीड आपने क्या ली थी, x, स्ट्रीम की स्पीड क्या ली थी, y। मान लो कि ये 5 किलोमीटर है पर आर और ये सपोज 3 किलोमीटर पर आर है, तो एक्चुअल स्पीड, रिजल्टेंट स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, आप उधर जा रहे हो, नदी भी उधर जा रही है, वो आपको धक्का दे रही है सेम डायरेक्शन में, हाँ तो क्या हो जाएगा, स्पीड ऐड हो जाएगी। तो एक्चुअल स्पीड क्या हो जाएगी, उसको हम क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम में स्पीड। तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम विल बी एक्स प्लस वाई। हाँ एक्चुअल स्पीड ज़्यादा हो जाएगी बोट की स्पीड से भी और रिवर की स्पीड से भी, दोनों ऐड हो जाएंगी 5+3, एक्चुअली आप 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलोगे आप जल्दी पहुंच जाओगे, जब भी आप डाउन स्ट्रीम जाओगे आप जल्दी पहुंच जाओगे, ठीक है। अब दूसरा केस क्या है कि भाई हम चले तो गए, अब हमको आना है ये हमारी बोट, हमको अब आना है इधर, पर रिवर तो अभी भी जा रही है उधर, स्ट्रीम का डायरेक्शन
तो सेम है। अब बोट का डायरेक्शन आपका हो गया है चेंज, तब क्या होगा? अब क्या बोट, अब रिवर आपको सपोर्ट करेगी क्या? पानी आपको सेम डायरेक्शन में ले जाएगा क्या? वो तो अभी भी आपको उधर ले जाने की कोशिश कर रहा है, पर आप इधर आ रहे हो कि नहीं नहीं मुझे तो इधर जाना है, वो आपको उधर खींच रहा है, आप इधर आ रहे हो, तो हो क्या रहा है? स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में है, माइनस हो गई। रिजल्टेंट क्या हो गया? वहाँ पर ऐड हो गया था, यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिंपल बात। तो इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मतलब अपोजिट टू रिवर, अपोजिट टू स्ट्रीम, स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में जाना, ऊपर जाना। हाँ, ऊपर जाना क्या होता है? आपका हमेशा मुश्किल होता है। यदि आप चाहते हो आप फुल मार्क्स लाओ, ऊपर बढ़ना है बहुत मुश्किल है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। पर यदि आपको ज़ीरो लाना है, डाउन स्ट्रीम, पढ़ना छोड़ दो, खट से ज़ीरो आ जाएंगे टेस्ट में, कुछ भी मत पढ़ो, आराम से ज़ीरो ले आओगे, जितने कम नंबर लाना है ला सकते हो आप, है ना। पर यदि आप चाहो कि मुझे फुल मार्क्स लाना है, ऊपर जाना है, तो देट इज़ अप स्ट्रीम। इट विल टेक लॉट ऑफ हार्ड वर्क, तब आपके नंबर आएंगे, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पर यदि आपको ज़ीरो लाना है नोविता की तरह, तो आप पढ़ना छोड़ दो, आराम से नोविता की तरह सोते रहो और आपके ज़ीरो आ जाएंगे, है ना। डाउन स्ट्रीम इज़ ईजियर। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है? स्पीड आपकी डबल नहीं होती, हाँ स्पीड ऐड होती है। डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऐड हो गई, तो अप स्ट्रीम में एक्चुअल स्पीड क्या हो गई? एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई क्यों? एक्स माइनस वाई इसलिए, वाई माइनस एक्स नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये हमेशा है कि बोट इज ऑलवेज फास्टर देन स्ट्रीम, ये कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, बट ये ऑब्वियस है कि बोट जो है वो हमेशा मोटर बोट है, वो फास्ट चलती है, और स्ट्रीम जो है वो स्लो बहती है, है ना। नदी स्लो बहती है, हालांकि पहाड़ पे यदि आप गंगा को देखोगे, व्यास नदी को देखोगे, मनाली वगैरह में इतना फास्ट फ्लो होता है उनका, पर हमारे क्वेश्चंस के पर्पस से हमें हमेशा ये बात समझ के रखनी है। इट विल नॉट बी मेंशन एनीवेयर, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि बोट इज़ ऑलवेज मोटर बोट, उसकी स्पीड फास्ट है, नदी की स्पीड स्लो है, नदी थोड़ा धीरे बह रही है, इसलिए कभी भी y माइनस एक्स नहीं आएगा। यदि y माइनस एक्स आएगा तो स्पीड नेगेटिव हो जाएगी, है ना। यदि स्पीड पॉजिटिव, बोट की स्पीड ज़्यादा होती, बोट की स्पीड कम होती, स्ट्रीम की ज़्यादा होती, तो y माइनस एक्स आता। तो ये कहीं लिखना नहीं होता है, बट दिस इज़ ऑब्वियस। हाँ, ये बात आपको याद रखनी है, जब भी आप बोट का क्वेश्चन देखो, और देखो सेम कंसेप्ट आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में भी आएगा, बस वहाँ पे वन वेरिएबल में बनेगी, तो हमको दोनों में से एक की स्पीड दी होगी, या तो बोट की या स्ट्रीम की, वन ऑफ द स्पीड्स विल बी मेंशन, तो इक्वेशन बन जाएगी क्वाड्रेटिक, मतलब स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में इक्वल टू जीरो लगा दोगे तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। पर वो इक्वेशन आपको यदि दोनों की स्पीड निकालनी है तो क्वेश्चन बनेगा लीनियर इक्वेशन में, बट कंसेप्ट विल बी सेम। आप स्ट्रीम में स्पीड्स माइनस होंगी, डाउन स्ट्रीम में स्पीड्स ऐड होंगी, ये बात बिल्कुल नहीं भूलना है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का, ठीक है, लीनियर के लिए भी क्वाड्रेटिक के लिए भी। तो चलो अब हम आगे की बात करें। अब आपको ये सब बात समझ में आ गई है, तो अब आप क्वेश्चन पढ़ने के लायक हो गए हो। नाउ यू आर एलिजिबल टू रीड दिस क्वेश्चन कि अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। हाँ, क्या बात कर रहे हैं कि बोट गई 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम को मैं ऊपर के एरो से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स, मतलब दोनों मिलाकर के 10 घंटे लगे, मतलब इसका टाइम 30 किलोमीटर जाने का टाइम प्लस 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आने का टाइम मिला करके 10 घंटे। ये इक्वेशन बननी चाहिए कि 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाना, 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाना, मिला करके टाइम कितना लगा? 10 आवर्स। तो इक्वेशन किस में बननी है? टाइम में। इक्वेशन टाइम में बननी है तो रिलेशन तो वही है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, पर इक्वेशन आपकी किस में बननी है? टाइम में। तो टाइम इधर चला जाएगा, स्पीड इधर आ जाएगी, तो टाइम कैन बी रिटन एज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हाँ, ये फॉर्मूला जो s इक्वल टू डी बाई टी, इसको हम अलग अलग तरह पे, अलग अलग जगह पे, अलग अलग तरह से यूज़ करेंगे। कभी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इनटू अपॉन टाइम करेंगे, कभी डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम करेंगे, कभी टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे। इट डिपेंड्स हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये लीनियर में भी काम आएगा, क्वाड्रेटिक में भी काम आएगा, दोनों इक्वेशंस हैं। हाँ, तो टाइम क्या हुआ? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये तो हमारा डिस्टेंस है, स्पीड क्या हुई? अप स्ट्रीम। सबसे पहले क्या लिखोगे? लेट द स्पीड
लेट द स्पीड ऑफ द बोट बी इन स्टिल वाटर बी एक्स किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी वाई किलोमीटर पर आवर. देन द स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द बोट अप स्ट्रीम इज एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर. सबसे पहले अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के क्वेश्चन में ये चार बातें लिख दो कि बोट की स्पीड जब पानी रुका हुआ है, शांत पानी हिल नहीं रहा है तो एक्स है, और पानी की स्पीड वाई है तो अप स्ट्रीम में एक्स माइनस वाई, डाउन स्ट्रीम में एक्स प्लस वाई. क्लियर. फिर हमने लिख दिया टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और हमको क्या बोला है कि 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में टाइम कितना लगेगा. डिस्टेंस है 30, स्पीड क्या है अप स्ट्रीम में एक्स माइनस वाई. तो क्या बनेगी इक्वेशन, 30 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम. डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या थी, ऐड हो रही थी एक्स प्लस वाई, और इक्वल टू टाइम कितना लगा था 10 आवर. ये ऊपर जाने का टाइम है, नीचे आने का टाइम, दोनों मिला के 10 घंटे. तो आपकी इक्वेशन ये बनी. हाँ, दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन. ठीक. अब सेकेंड केस में क्या बोला है, आगे का क्वेश्चन पढ़ो. उन्होंने बोला है कि इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम. 13 घंटे में 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, हाँ 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम. टाइम कितना लगा, 13 घंटे. अब इसको टाइम में कन्वर्ट करना है तो आपको पता है अपस्ट्रीम में स्पीड क्या आएगी, एक्स माइनस वाई. डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या आएगी, एक्स प्लस वाई. ये भी टाइम, ये भी टाइम, वो भी टाइम, ऐड करके ये आ गया. तो ये आपकी बन गई सेकेंड इक्वेशन. दिस इज़ योर रिक्वायर्ड सेकेंड इक्वेशन. अभी क्या दिख रहा है, दोनों में अपॉन में एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई है. दोनों इक्वेशन में जो सेम होता है उसी को अज्यूम करते हैं, है ना, वही अपन रिड्यूस करते हैं. दोनों इक्वेशन 1 अपॉन x माइनस y 1 अपॉन x प्लस y के टर्म में है. मतलब हम इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 30 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन x माइनस y प्लस 44 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन x प्लस y इक्वल टू 10. ऐसा लिख सकते हैं. और देखो ये एक्चुअली ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं होती, मैं इसलिए बता रही हूँ कि जिसको नहीं समझ में आया हो समझ में आ जाए, अदरवाइज़ आप डायरेक्टली कर सकते हो. हाँ, सेकेंड भी आपकी क्या हो गई, 40 टाइम्स 1 अपॉन x माइनस y प्लस 55 टाइम्स 1 अपॉन x प्लस y इक्वल टू 13. तो हमें क्या पता चल गया कि हमें किसे a और b लेना है. चलो अब यहाँ p और q ले लेते हैं, a b में ही कर रहे हैं अपन. तो हमने ले लिया लेट 1 अपॉन x माइनस y इक्वल टू p एंड 1 अपॉन x प्लस y इक्वल टू q. ठीक है, हमने 1 अपॉन x माइनस y को p और 1 अपॉन x प्लस y को q मान लिया. तो अब ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन क्या बन गई, 30 टाइम्स 1 अपॉन x माइनस y की जगह रखना है p, तो 30p प्लस 44 दिस इज q इक्वल टू 10. सेकेंड इक्वेशन क्या हो गई, 40p प्लस 55q इक्वल टू 13. ये आपकी इक्वेशंस बन गई. आप यदि ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो तो वो 15 और 22 आ जाएगा, क्योंकि सारे नंबर इवन है. पर उससे कुछ विशेष फ़ायदा हमें दिख नहीं रहा कि कोफिशेंट सेम हो जाए. अब यहाँ पर p को एलिमिनेट करो या q को एलिमिनेट करो, एक ही बात है. हमको क्या नज़र आ रहा है, सब में मल्टीप्लिकेशन 2 से करना पड़ेगा. तो यदि आप q एलिमिनेट करना चाहते हो तो दिस इज़ 11 5 एंड दिस इज़ 11 4, तो उसको 5 से इसको 4 से मल्टीप्लाई करो. या ये 3 10 4 10 है तो इसको 4 को से और इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो p एलिमिनेट हो जाएगा. तो जो तुम्हारी मर्ज़ी वो तुम कर सकते हो, है ना. मैंने इसको मैं p एलिमिनेट कर रही हूँ, 4 से मल्टीप्लाई किया. पता है इसके बाद ये इक्वेशन वहीं पे लिख देना चाहिए. आपकी बोर्ड की कॉपी तो काफ़ी लंबी होती थी सिंप्लाइज, तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि वो इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई होके क्या हुआ. हाँ, 34 क्या हो गया, 120p प्लस 4 4 16 16 और प्लस 176 q इक्वल टू 4 10 40. 3 से करेंगे तो ये तो सेम आएगा, ये हो गया 165 q इक्वल टू 13 3 39. ये बन गई इक्वेशन. अभी क्या नज़र आ रहा है, दोनों में 120p है, माइनस करना है, साइन सेम था तो माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया. 176 में से ये माइनस हुआ 11q इक्वल टू 1, तो q की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन 11, है ना, q आ गया 1 बाय 11. अब आपको क्या करना है, q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है ओरिजिनल इक्वेशन में, उसमें नहीं. उसमें रखोगे टाइम ज़्यादा रखेगा, आंसर आएगा बट टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई कर दिया ना, इक्वेशन ज़्यादा बड़ी हो गई, वैल्यूज़ ज़्यादा हो गई. तो हम क्या करें, q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं फर्स्ट में,
सब्स्टिट्यूट क्यू इक्वल टू 1/11 इन इक्वेशन 1, तो ये क्या हो जाएगा 30p प्लस 44 टाइम्स 1/11 इक्वल टू 10, ये होगा। अभी आपको पता है 11 वन ज़ा 11 फोर ज़ा 44, 4 उधर जाएगा तो 30p इक्वल टू 10 माइनस 4 6, तो p की वैल्यू क्या हुई 6 अपॉन 30, 6 5 ज़ा 30, दिस इज़ 1/5, तो p आपका आ गया है 1 अपॉन 5 एंड q इज़ 1/11। अब हम क्या करेंगे, अब हम ओरिजिनल जो हमने लिया था उससे इक्वेट करें, तो 1 अपॉन x माइनस y इक्वल टू p है 1/5 एंड 1 अपॉन x प्लस y इक्वल टू q है 1 अपॉन 11, ठीक। अब वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या रिवर्स, तो ये वाली इक्वेशन से आपको क्या मिलेगा x माइनस y इक्वल टू 5 और इससे क्या मिलेगा x प्लस y इक्वल टू 11, तो x माइनस y इक्वल टू 5 एंड x प्लस y इक्वल टू 11, ये अगेन क्या बन गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, फिर से हमको इक्वेशन मिल गई, फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स में, है ना। इट डिपेंड्स ऑन द डिफ़िकल्टी लेवल या लेंदी कितना है, हम इन दोनों को ऐड कर दें y माइनस y 0, तो x प्लस x 2x इक्वल टू 11 प्लस 5 16, तो x क्या आ गया 8, इसमें सब्सटीट्यूट करोगे y क्या आ जाएगा 3, दोनों के यूनिट क्या है किलोमीटर पर आर, तो बोट चल रही है 8 किलोमीटर पर आर की स्पीड से और पानी बह रहा है 3 किलोमीटर पर आर की स्पीड से, तो अब आप देखो कि 8 माइनस 3 इफेक्टिव स्पीड अपस्ट्रीम में क्या हो गई 5 और 8 प्लस 3 इफेक्टिव स्पीड क्या हो गई 11, तो 30 अपॉन 5 6 घंटे और 44 अपॉन 11 कितने लगे 4 घंटे, 6 घंटे 4 घंटे मिला के 10 घंटे, इसको 5 से डिवाइड करोगे 8 आवर्स, इसको 11 से डिवाइड करोगे 5 आवर्स, 8 प्लस 5 13, बोथ कंडीशन सेटिस्फाइड, कंसेप्ट क्लियर है ना। तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, 2-3 बार क्वेश्चन को लिख करके करो, फिर एक्सरसाइज में भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा उसको करो, उसके अलावा और ढूंढो जहाँ मिले उसको करो। तो ये हो गया आपका, अब हम आ गए एक्सरसाइज 3.6 पर। तो एक्सरसाइज 3.6 में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, कि भाई पहले रिड्यूस करो और फिर सॉल्व कर दो। अब देखो ये 1/2x है और यहाँ 1/3x है, तो 2 और 3 थोड़ी लेते हैं हम, तो सिर्फ x लेते हैं, प्लस माइनस में यदि 2-3 होते तो हमें लेना पड़ता, पर हमारा यहाँ पर वेरिएबल क्या है 1/x और वहाँ क्या है 1/y, हाँ, तो हम इसको, मैं इसको इस तरह से लिख देती हूँ 1/2 × 1/x प्लस 1/3y कैन बी रिटन एज 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/y इक्वल टू 2, हाँ, और दूसरी इक्वेशन आपकी क्या है 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/x प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/y इक्वल टू 13/6, ऐसी दिख रही है इक्वेशन। तो अब आपको नज़र आ रहा है ना दोनों में क्या कॉमन है, हालांकि ऐसा लिखना ज़रूरी नहीं है, ये समझने की बात है, मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ इसलिए मैं लिख रही हूँ इस तरह से, अदरवाइज हम डायरेक्टली क्या है कि जैसे ही हमको दिखा 1/x 1/y तो हमने 1/x को ए 1/y को बी या पी क्यू जो तुम्हारी मर्जी ले लिया, कि लेट 1/x इक्वल टू ए एंड 1/y इक्वल टू बी, तो इक्वेशन क्या हो गई, ये तो हो गया a और ये 1/2, तो ये हो गया a बाय 2 या 1/2 a, ये हो गया 1/3 b इक्वल टू 2। अब ऐसी इक्वेशन आ गई, मैंने आपको क्या बोला था, जब भी ऐसा डिनोमिनेटर में नंबर हो LCM लेकर इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, तो ये 3 है, सॉरी मैंने 3 की जगह 2 लिख दिया, तो ये 1/3 है, ये वाला देख लिया मैंने, ठीक। तो LCM क्या आएगा 6, 3 इधर मल्टीप्लाई 2 इधर, तो 3a प्लस 2b इक्वल टू 2, ये 6 जाके इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये इक्वेशन क्या बन गई 3a प्लस 2b इक्वल टू 12, दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड पार्ट में हम सब्स्टिट्यूट करें तो ये क्या हो रहा है 1/3a प्लस 1/2b इक्वल टू 13/6, ये हो रहा है कन्वर्शन। तो अब हमारा LCM फिर से क्या आएगा 3 और 2 का 6, तो ये 2a प्लस 3b इक्वल टू 13/6, दोनों के अपॉन में 6 से कैंसिल हो गए, इक्वेशन क्या बन गई फाइनली 2a
प्लस 3b इक्वल टू 13, दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 2। क्या दिख रहा है? 3 और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए एलिमिनेट करना हो या बी करना हो, जिसको भी एलिमिनेट करना है अकॉर्डिंगली आप, जैसे आपने इसको 3 से कर दिया, इसको 2 से कर दिया, तो बी एलिमिनेट हो जाएगा। उल्टा करते हो, उसको 2 से, इसको 3 से, तो ए एलिमिनेट हो जाता। तो चॉइस इज़ योर्स। अब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बना, 3 3 9a प्लस 3 2 6b इक्वल टू 12 3 36, 2 2 4a, दिस इम्प्लाइज का साइन लगा देना, प्लस 6b इक्वल टू 13 2 26, साइन चेंज, ये कैंसल, 9a माइनस 4a क्या बचा, 5a, और 36 माइनस 26 इज 10, तो a की वैल्यू क्या आ गई, a कम्स आउट टू बी 2, a आपका आ गया 2। हाँ, अब हम इसको सब्सटीट्यूट कर दें इसमें, b में, किसी भी इक्वेशन में इसमें सब्सटीट्यूट कर दिया, तो 3 × 2 प्लस 2b इक्वल टू 12, 3 2 6 उधर जाएगा, तो 2b इक्वल टू 12 माइनस 6 इज 6, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 3, तो b इक्वल टू 3 एंड a इक्वल टू 2, बट दिस इज़ नॉट योर फाइनल आंसर, आंसर x और y में आएगा। x क्या था, 1/x a था, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो ना, दिस इम्प्लाइज 1/x इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2, b इक्वल टू 3 है, b क्या है, 1/y, तो इससे y की वैल्यू क्या होगी, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/3, x इक्वल टू 1/2 एंड y इक्वल टू 1/3 इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक, लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या दिख रहा है, अपॉन में रूट एक्स रूट वाई, पर आंसर एक्स और वाई का ही निकलेगा। हाँ, दोनों में अपॉन में रूट एक्स और रूट वाई है, तो एक बात तो ये कि रूट एक्स को ए नहीं लेना है, 1/√x शुड बी टेकन एज ए, आपको रिड्यूस करना है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लेट 1/√x इक्वल टू पी ले लेती हूँ एंड 1/√y इक्वल टू क्यू। तो ये इक्वेशन आपकी क्या बन गई, पहले ये लिखो, फिर इक्वेशन लिखो, फिर इसको लिख दो, दिस इम्प्लाइज 2p प्लस 3q इक्वल टू 2, और ये इक्वेशन हो गई 4p माइनस 9q इक्वल टू माइनस 1। ये इक्वेशन बन गई, 1/√x को लिखा p, 1/√y q, 1/√x p, 1/√y q, तो 2p प्लस 3q इक्वल टू 2, 4p माइनस 9q इक्वल टू माइनस 1। अभी क्या नज़र आ रहा है, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें या फर्स्ट इक्वेशन को 3 से कर दें, तो q ऐड करने पे ही एलिमिनेट हो जाएगा, तो हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये क्या हो गया, 3 2 6p प्लस 3 3 9q इक्वल टू 3 2 6। अब ऐड करने पे प्लस 9q माइनस 9q विल गिव यू 0, 4p प्लस 6p क्या हो गया, 10p, और माइनस 1 प्लस 6 इज 5p, मत लिखना भूल जाना, तो p की वैल्यू क्या आ गई, 5/10, दैट इज़ 1/2, p कम्स आउट टू बी 1/2, पर p क्या है, 1/√x, सो दिस इज इक्वल टू 1/√x, तो इससे x की वैल्यू क्या हो गई, रूट एक्स 2 है, तो x क्या होगा, 2 का स्क्वायर, तो x की वैल्यू आ गई 4। हाँ, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि रूट एक्स इक्वल टू 2, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड x क्या आएगा, 4। अभी हमको x की वैल्यू नहीं रखना है, हमें p की वैल्यू रखना है, p की वैल्यू 1/2 है, इस वाले में रख दें, तो 2 × 1/2 प्लस 3q इक्वल टू 2। सब्सटीट्यूट किया, ढंग से लिखना बेटा, मार्क्स के हिसाब से कितने मार्क्स का है उस हिसाब से स्टेटमेंट लिखो कि सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ पी इन इक्वेशन 1, तो ये 2 2 तो कैंसिल हो गए, तो 2 2 कैंसिल होकर 0 नहीं बनेगा, 1 बना, डिवाइड हुआ ना, तो 1 है, ये 1 इक्वल टू के उधर जाएगा, तो 2 माइनस 1 होगा, मतलब ये 1 प्लस 3q इक्वल टू 2 है, तो 3q इक्वल टू 2 माइनस 1 1 होगा, तो q की वैल्यू क्या आ गई, 1/3, है ना, तो ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, इसके बाद ये डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 3q इक्वल टू 1, तो q इज़ 1/3, पर q क्या था, 1/√y, तो इससे रूट वाई 3 होगा, तो y की वैल्यू क्या होगी, 3 का स्क्वायर, दैट इज़ 9, तो y आ गया 9, x आ गया 4, क्लियर, ये बात ध्यान रखना, रूट एक्स रूट वाई निकाल कर मत छोड़ देना, आंसर x और y निकलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो इसमें क्या डिफरेंस आ गया, कि इसमें आपका सिर्फ x अपॉन में y तो नॉर्मल लिखा है,
तो हम सिर्फ वन अपॉन एक्स को अज्यूम करेंगे, वाई को सेम रहने देंगे। ज़रूरी नहीं है ना कि दोनों को अज्यूम करना। अपना पर्पज़ क्या है? अपना पर्पज़ है उसको लीनियर इक्वेशन बनाना। हाँ, उसको लीनियर इक्वेशन बनाना। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे ज़रूरत है उसी को चेंज करेंगे, जिसको ज़रूरत नहीं है उसको अनावश्यक चेंज नहीं करेंगे। तो हमने ले लिया लेट वन अपॉन एक्स इक्वल टू ए। तो ये इक्वेशन आपकी क्या बन गई, 4a प्लस 3y इक्वल टू 14, और ये हो गई 3a माइनस 4y इक्वल टू 23। ये बन गई। अभी क्या नज़र आ रहा है कि यदि हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में y का साइन डिफरेंट है, मल्टीप्लाई तो दोनों को ही करना पड़ेगा, तो हम इसको 4 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो y एलिमिनेट हो जाएगा। तो कर दो, तो 4 4 16 a प्लस 4 3 जा 12y इक्वल टू 14, 4 जा 56, 3 3 जा 9 a माइनस 12y इक्वल टू 23, 3 जा 16 9। अब आपको पता है कि दोनों के साइन अपोजिट है, तो ऐड करने पे ही ज़ीरो हो जाएगा। तो 16 प्लस 9 इज 25a 125। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 125 by 25, 25 5 is 125, a comes out to be 5, a आ गया 5। हाँ, अब a आ गया, हमें y भी निकालना है, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया, तो 4 into 5 plus 3y equal to 14, 4 5 is 20, 20 उधर जाएगा, तो 3y equal to 14 minus 20 is minus 6, तो 3 2 is 6, y की वैल्यू आ गई minus 2। तो y माइनस 2 a इक्वल टू 5, पर a तो नहीं चाहिए था, हमें तो x चाहिए था, तो हमने a किसको लिया था, 1 अपॉन x। तो 1 अपॉन x इक्वल टू a इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 5 है तो 5 विल बी 1 अपॉन 5, क्योंकि 5 के अपॉन में हम क्या लिख सकते हैं, 1 5 अपॉन 1, उल्टा करा तो 1 बाय 5, है ना, सिंपल एकदम। तो ये भी हो गया आपका। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 4। इसमें क्या दिख रहा है, अपॉन में x माइनस 1, 1 अपॉन x माइनस 1, 1 अपॉन y माइनस 2, यहाँ भी 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू 1 अपॉन y माइनस 2। तो किसको अज्यूम करना है, पता चल गया ना कि लेट 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू a एंड 1 अपॉन y माइनस 2 इक्वल टू b। तो ये क्वेश्चन क्या बन गया, 5 टाइम्स a, 5 मल्टीप्लाइड है तो ये हो गया 5a, ये 1 ही है तो ये b हो गया एंड इक्वल टू 2, और यहाँ पर 6 इंटू 1 अपॉन x माइनस 1 है तो ये बनेगा 6a माइनस 3 टाइम्स b इक्वल टू 1। ये इक्वेशन बन गई। क्या दिख रहा है कि फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन एलिमिनेट हो जाएगी। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 3, व्हाट यू विल गेट, 15a प्लस 3b इक्वल टू 3 2 6, ऐड करने पे प्लस 3b माइनस 3b विल गिव यू 0, 5 6a प्लस 15a 21a इक्वल टू 6 प्लस 1 7, तो a क्या हो गया, 7 by 21 विच इज़ 1 by 3, a की वैल्यू आ गई 1 by 3, एंड दिस इज़ इक्वल टू, आप यहाँ भी रख सकते हो, दिस इज़ इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x माइनस 1 इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4, x आ गया 4। अब हम क्या करेंगे, अभी हम b निकालेंगे, a 1 by 3 है, हाँ a 1 by 3 है, 6a में रखना ज़्यादा अच्छा है क्योंकि 5 वाले में आपका कैंसल नहीं होगा, LCM लेना पड़ेगा। तो हमने इसमें सब्सटीट्यूट किया, तो 6 इंटू 1 by 3 माइनस 3b इक्वल टू 1, 3 2 6, 1 इधर आएगा, 2 माइनस 1 इक्वल टू 3b, बी पॉजिटिव बना रही हूँ मैं, नहीं तो ये उधर जाके माइनस 3b इक्वल टू माइनस 1 बनता, तो 1 अपॉन 3 आ गई b की वैल्यू। ये क्वेश्चन तो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, a भी 1 by 3 आया था, b भी 1 by 3 आया था, तो हम इसको इक्वेट कर देंगे, 1 अपॉन 3 इक्वल टू 1 अपॉन y माइनस 2, तो y माइनस 2 इक्वल टू 3, और y की वैल्यू क्या आ गई, 5, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 5, ये इसका सॉल्यूशन आ गया। अभी थोड़ी देर पहले ऐसा लग रहा है मुझे कि सेम क्वेश्चन किया है, हाँ, 5 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन y माइनस 2 इक्वल टू 2 और 6 अपॉन x माइनस 1 माइनस 3 अपॉन y माइनस 2 इक्वल टू 1,
सेम टू सेम क्वेश्चन उन्होंने एग्जाम्पल में भी दे दिया है, हाँ, और यहाँ पर भी सेम दे दिया है, तो दोनों क्वेश्चन एक्चुअली सेम ही थे, ठीक। इसीलिए मुझे लगा, बीच में ही मुझे लगा कि सेम कर रहे हैं हम, कोई बात नहीं। अब देखो, अब इस क्वेश्चन में इन दोनों क्वेश्चन को संग में पढ़ो और ध्यान दो कि दोनों में क्या डिफरेंस है या क्या सिमिलैरिटी है। हाँ, मैंने आपको फर्स्ट में ही बता दी थी कि दे हैव सम सिमिलैरिटी विथ ईच अदर, क्या है यहाँ पर अपॉन में एक्स वाई लिखा है। यदि हम इसको सेपरेटली लिखें तो ये क्या बनेगा, 7x डिवाइडेड बाय एक्स वाई माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 5, ये होगा। x से x कैंसिल, यहाँ y से y कैंसिल, तो ये क्या बचा, 7 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स इक्वल टू 5। ये आपका नॉर्मली जैसा फर्स्ट क्वेश्चन था उस पैटर्न में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, यदि हम यहाँ पर इसका इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इधर भेज देते तो ये इक्वेशन 7x माइनस 2y इक्वल टू 5xy इस पैटर्न की हो जाती। तो ऐसा भी दिया हो तो xy इधर ला करके दोनों के डिनोमिनेटर में सेपरेटली लिख करके कॉमन टर्म कैंसिल करके उसको 1x 1y के फॉर्म में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, है ना। तो ये तीनों क्वेश्चन सेम पैटर्न है। ये जो आपको 1x 1y दे दिया, इसमें आपको अपॉन में xy दे दिया, इसमें इक्वल टू xy दे दिया, तो तीनों कंसेप्ट सेम है। हाँ, बस इसमें वो डायरेक्ट है, यहाँ पर आपको अलग अलग लिख करके ये इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, यहाँ भी xy क्रॉस में इधर ला के इस तरह से सेम फॉर्म जनरेट करना पड़ेगा, पर तीनों क्वेश्चन सेम है, एक स्टेप एक्स्ट्रा हो गए, है ना। तो कंफ्यूज मत होना बेटा। तो ये अब आप देखो, ये डायरेक्ट भी कर सकते हो, कैसे, x अपॉन x कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 8 अपॉन y प्लस 7 y कैंसिल, 7 अपॉन x इक्वल टू 15। और फर्स्ट इक्वेशन है ये वाली। अब हमने क्या पता है, हमको आगे y है अपॉन में, पीछे x है, तो हम 1 अपॉन y को जो भी अज्यूम करें, जो पहले लेते हैं, हम जनरली हम ABPQ लेते हैं, जो भी पहले आ रहा है उसको आप 1 अपॉन y लो। तो हमने ले लिया, लेट 1 अपॉन y इक्वल टू a एंड 1 अपॉन x इक्वल टू b। तो ये क्वेश्चन क्या बन गया, 7a माइनस 2b इक्वल टू 5, और ये बन गया 8a प्लस 7b इक्वल टू 15, ये बन गया। यदि आपने 1 अपॉन y को b ले लिया और 1 अपॉन x को a ले लिया, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये x पीछे है, y आगे है, है ना, तो गड़बड़ हो जाएगी, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखनी है। ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करें, ये 7 है, ये 8 है, ये 2 है, ये 7, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये प्लस माइनस है, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि पॉजिटिव नेगेटिव यदि अपोजिट साइन है तो इसको 7 से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, 7 7 ज़ा 49 a माइनस 14b इक्वल टू 7 5 ज़ा 35। ये इक्वेशन क्या बन गई, 8 2 ज़ा 16 a प्लस 14b इक्वल टू 15 2 ज़ा 30। अब ऐड करने पे ये कैंसिल हो रहा है, तो साइन चेंज नहीं होंगे, इसीलिए हमने ये कॉम्बिनेशन लिया है ताकि हमें साइन चेंज ना करना पड़े। अब ये 49a प्लस 16a, ये आपका क्या हो गया, 65a इक्वल टू में भी ऐड होके क्या आ गया, 65। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 65 अपॉन 65 मतलब 1, तो a की वैल्यू 1 आ गई, पर a क्या था, a 1 अपॉन y है, a 1 अपॉन x नहीं है। यहाँ भी यू हैव टू बी केयरफुल, यदि आपने उठा के 1 बाय x रख दिया तो आपकी x की वैल्यू 1 आ जाएगी, पर आंसर में y 1 है, तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन y, दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 1, ठीक। अब a की वैल्यू 1 है, इसमें सब्सटीट्यूट कर दूँ तो 7 माइनस 2b इक्वल टू 5, 5 इधर 2b इधर, 7 माइनस 5 2 इक्वल टू 2b, तो b की वैल्यू भी क्या आ गई, 1। बाय चांस a भी 1 है, b भी 1 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, b इज़ 1 अपॉन x, तो x इक्वल टू 1, x भी 1 y भी 1। यदि वैल्यू अलग होती तो ये गलती करने से आंसर अलग अलग हो जाते हैं, है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर आप केयरफुल रहना है, नहीं तो यहाँ पर मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर सिंपलर क्वेश्चंस। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या दिया था, 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy, तो आप क्या लिखोगे, 6x अपॉन xy प्लस 3y अपॉन xy इक्वल टू 6।
तो ये आप इनफेक्ट इसको 3 से भी कैंसिल कर सकते हो, एक्स एक्स कैंसिल, वाई वाई कैंसिल। आप इसको यदि 3 से भी कैंसिल कर दो कि 3 सबके पास है, तो ये हो जाएगा 2/y प्लस 1/x इक्वल टू 3। 3 से 3 नहीं, 3 2 6, 3 2 6, मैंने एक को इसको 3 से भी डिवाइड कर दिया, तो ये इक्वेशन बन गई। और फिर हमने क्या अज्यूम कर लिया कि लेट 1/y इक्वल टू पी एंड 1/x इक्वल टू क्यू, तो ये इक्वेशन क्या बन गई, 2p प्लस q इक्वल टू 2। ये इस फॉर्म में ट्रांसफ़र हो गई। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट क्या था, 2x/xy, 4y/xy, इसको भी यदि हमने xy से कैंसिल किया, ये कैंसिल, ये एक्स एक्स कैंसिल, वाई वाई कैंसिल, तो ये बचेगा 2/y प्लस 4/x इक्वल टू 5। पर 1/y क्या है, p, तो ये इक्वेशन क्या बन गई, 2p प्लस 4q इक्वल टू 5। ये आपकी सेकेंड, ये आपकी फर्स्ट। डायरेक्टली क्या दिख रहा है, दोनों में 2p है, तो हम डायरेक्टली ही माइनस कर दें, साइन चेंज, ये कैंसिल, q माइनस 4q इज़ माइनस 3q एंड 2 माइनस 5 इज़ माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल, 3 कैंसिल, तो q की वैल्यू 0 नहीं आएगी, डिवाइड होके आया है 3/3, हाँ, तो q आपका, q की वैल्यू क्या आएगी, 1। यहाँ पे कई बार कुछ बच्चों की गलती हो जाती है कि वो 0 लिख देते हैं, कैंसिल हो गया 0, माइनस होके यदि 3 माइनस 3 होता तो 0 होता, 3 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 3, तो 1 आता है आंसर बेटा, तो क्यू 1 आ गया, हाँ क्यू 1 आ गया। सब्सिट्यूट कर दें फर्स्ट में इसमें, तो ये क्या हो गया, 2p प्लस 1 इक्वल टू 2, ये उधर जाएगा, तो 2p इक्वल टू 1, तो p क्या आ गया, 1/2। पर क्यू क्या था, क्यू था 1/x, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1, पी 1/2 है, पर पी क्या है, 1/y, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2। यदि आपने इंटरचेंज कर दिया तो आपका x 2 और y 1 आ जाएगा, तो इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। फर्स्ट ही आपको पता चल गया कि इन बातों का ध्यान रखना है, तो बिल्कुल उसी हिसाब से प्रैक्टिस करो, तो आप कभी मिस्टेक्स करोगे ही नहीं। ये वैसे ही क्वेश्चन है आपका अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम की तरह, है ना, कि 1/x समथिंग अपॉन x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई, x प्लस वाई x माइनस वाई, ये सेम है, ये सेम है। तो हमने क्या लिख दिया, लेट 1/x प्लस वाई इक्वल टू ए एंड 1/x माइनस वाई इक्वल टू बी, तो इक्वेशन क्या हो गई, 10a प्लस 2b इक्वल टू 4। और सेकेंड इक्वेशन हो गई 15a माइनस 5b इक्वल टू माइनस 2, ये इक्वेशन हो गई। ऊपर वाली इक्वेशन आप देखो तो 2 से डिविजिबल है, पर 2 से डिवाइड करके कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, b आ रहा है, हाँ, तो इससे अच्छा है कि हम क्या करें, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मैंने यही 2 लिख दिया, ठीक है, तो b का कोफिशेंट सेम हो जाएगा, ऐड करने पे 0 हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया नेक्स्ट स्टेप में, दिस इम्प्लाइज 5 10s are 50a प्लस 5 2s are 10b इक्वल टू 5 4s are 20, और ये हो जाएगा 15 2s are 30a माइनस 10b इक्वल टू माइनस 4। ऐड करने पे प्लस 10b माइनस 10b विल बी एलिमिनेटेड, 50a प्लस 30a कितना बचा, 80a, 20 माइनस 4 इज 16, 16 5s are 80, तो a की वैल्यू क्या आएगी, 1/5, ए 16/80 है ना, ए क्या हुआ, 16/80, 16 1s are 16, 16 5s are 80, तो ए की वैल्यू आ गई 1/5। हाँ, आप यहीं पर उसकी वैल्यू से भी इक्वेट कर सकते हो कि ए इक्वल टू 1/5 इक्वल टू 1/x + y, तो x + y इक्वल टू 5, यह आपकी नेक्स्ट इक्वेशन आ गई, इसको भी हाईलाइट कर दो। अब हमको ए की वैल्यू आ गई है, बी निकालना है, तो देखो ए के दोनों ही नंबर जो हैं वो 5 से डिविजिबल है, 5 के मल्टीपल्स है, क्योंकि a 1/5 है, तो अब फर्स्ट में रखो सेकंड में रखो एक ही बात है, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दिया, सब्स्टिट्यूट a इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन 1, तो फर्स्ट में रखेंगे तो ये क्या हुआ, 10 times 1/5 प्लस 2b इक्वल टू 4, 5 2s are 10 प्लस 2 उधर ट्रांसपोज होगा, तो 2b इक्वल टू 4 माइनस 2 इज 2, b की वैल्यू क्या आ गई, 1, पर b क्या है,
वन अपॉन एक्स माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस वाई। इससे कंडीशन आ गई कि x माइनस वाई वन है। अब दोनों इक्वेशंस को फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, x माइनस वाई वन है और x प्लस वाई फाइव है। ऐड किया y y कैंसल, 2x इक्वल टू सिक्स, तो x क्या आया 3, x 3 आया। इसमें से किसी में भी सब्सटीट्यूट कर दो, 3 प्लस वाई इक्वल टू फाइव, तो भी y क्या आएगा 2। इसमें रखोगे तो 3 माइनस वन इक्वल टू वाई, तब भी y क्या आएगा 2। तो x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2 इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो आज की क्लास का टाइम ओवर। अब इसमें आपको क्या ध्यान देना है, इसकी हिंट दे देती हूँ मैं, लास्ट पार्ट है इसका। इसमें अपॉन में 3x प्लस वाई है, यहाँ भी 3x प्लस वाई है। हाँ, 1 अपॉन 3x प्लस वाई को a लो तो ये बनेगा a, और 1 अपॉन 3x माइनस वाई को ले लिया b, तो ये इक्वेशन क्या बनी, a प्लस बी इक्वल टू 3 अपॉन 4, और यहाँ अपॉन में 2 है तो ये बनेगी a अपॉन 2 माइनस बी अपॉन 2 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 8, ये बनेगा। अभी हमको क्या पता है कि हम ये 2 2 कॉमन लेकर के इससे कैंसिल कर सकते हैं, तो ये इक्वेशन क्या बन गई, a माइनस बी, ये तो अभी ख़त्म भी हो जाएगा क्वेश्चन। फर्स्ट है a प्लस बी इक्वल टू 3/4, सेकेंड आया a माइनस बी इक्वल टू माइनस 1/4। ऐड करने पे ये कैंसिल, 2a इक्वल टू 3/4 माइनस 1/4, 3 माइनस, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर विल बी डायरेक्टली सब्ट्रैक्टेड, 3 माइनस 1 2 2/4, 2/4 इज 1/2। तो a की वैल्यू क्या हो गई, a हो गया 2 उधर जाएगा, तो 1/2 इंटू 2 a आ गया 1/4, a 1/4 है, सब्सटीट्यूट कर दिया, तो इसमें सब्सटीट्यूट किया तो 1/4 प्लस b इक्वल टू 3/4, तो b क्या हुआ 3 माइनस 1/4 दैट इज 2/4, मतलब 1/2, b आ गया हाफ, a आ गया 1/4। हाँ, ऐसे हम यहाँ पर LCM लेके भी कर सकते थे, यदि हम LCM लेते तो ये मतलब ये 4 इधर भेज देते, तो यहाँ पर 4a प्लस 4b इक्वल टू 3 होता, ये 4a माइनस 4b इक्वल टू माइनस 1, तब भी ये कैंसिल होते, 4a 4a 8a होता और यहाँ इक्वल टू 2 आता, तो 8a होता तो 2/8, तब भी 1/4 आंसर सेम ही आता है ना। तो a आ गया है आपका 1/4 और b आ चुका है 1/2, पर a क्या है, a है 1 अपॉन 3x प्लस वाई, तो 1 अपॉन 3x प्लस वाई इक्वल टू 1/4 एंड 1 अपॉन 3x माइनस वाई इक्वल टू 1/2, ये बन जाएगा। अब हम इसको फिर से वो कर देंगे रेसिप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 हो गया और 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 हो गया। क्या दिख रहा है, सीधे ही y एलिमिनेट हो रहा है, 3x प्लस 3x 6x और 4 प्लस 2 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1, x की जगह 1 रखेंगे, 3 वन ज़ा 3, 4 माइनस 3 1, तो y भी क्या आ गया 1, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब हमारी इसमें बची हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, है ना, तो बस वर्ड प्रॉब्लम्स बची हैं और बाकी हमारी एक्सरसाइज फिनिश, और इसके बाद हमारी है ऑप्शनल एक्सरसाइज, और ये याद रखो 10th में ऑप्शनल करनी पड़ती है ना, उसमें नीचे लिखा है नॉट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, पर हम RD भी करते हैं, RS भी करते हैं, PK गर्ग भी करते हैं, मोनिका कपूर, ममता बत्रा, जो आपको मिलती है आप सब करते हो, क्यों, क्योंकि आप चाहते हो फुल मार्क्स लाना, तो इसके लाइन पे मत जाना कि नॉट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आपको वो भी करनी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।